तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। बट मिड पॉइंट थ्योरम को करने के लिए हमें एक थ्योरम, ये रिजल्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए पहले हम ये थ्योरम 8.8 प्रूव करेंगे, जो कि क्लास 9th की चैप्टर 8 की थ्योरम है, ठीक है? ये थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम 8.8, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है? कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, वो बोल रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम होगा इफ, इफ क्या गिवन है आपको कि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सपोज कीजिए ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, हम अपोजिट साइड कौन सी ले लेते हैं, ए बी और सी डी हम ले लेते हैं, ये पैरेलल और इक्वल गिवन है, ठीक है? सपोज दिस इज अ डायगोनल, ओके? तो हम गिवन में क्या लेते हैं, गिवन में हम ये लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हम ले लेते हैं गिवन में, ठीक है? फिर हम लेते हैं इसका टू प्रूफ। आपको टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में आपको करना है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, आपको प्रूफ में इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बट ये पैरेललोग्राम कब होता है, अगर बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, एक पेयर तो आपको गिवन है और अगर हम दूसरे को भी पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दें, दैट मींस ये ए बी सी डी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जो मैं अपनी लास्ट वीडियोस में करा चुकी हूँ, ठीक है? तो हम अगर क्या करें, प्रूफ में हम करते हैं कंसीडर इस क्वाड्रिलेटरल में, जो कि अभी पैरेललोग्राम नहीं है, उसको हमें प्रूफ करना है। इसमें आपको दो ट्राइंगल्स दिख रही है, कौन कौन सी, ए बी सी एंड बी सी बी या ए सी डी, ये दिख रही है। तो इन कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ये दिख रही है हमें दो ट्राइंगल्स ए बी सी एंड सी डी ए। इसमें क्या हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या लिखेंगे, रीजन गिवन, हम जो भी रीजन देंगे, जो भी हम केस लेंगे, उसका हम क्या करेंगे, रीजन जरूर देंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी क्या है, गिवन है, ठीक है? अब ए सी और ए सी क्या है, कॉमन है, ठीक है? ए सी ए सी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ए सी डायगनल। अब एक अबे और हमें क्या मिलता है कि अगर हम ये दो लाइंस देखें, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, पैरेलल है, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए सी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। अगर ए सी ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल होगा, इसको हम बोलते हैं एंगल वन, वो इस एंगल के इक्वल होगा, होगा इक्वल, एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल टू, क्यों होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, है ना, क्योंकि अगर ये क्या होता है, दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल होती है, तो ये दोनों एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? तो आपको हम ये रूल पढ़ चुके हैं, बाय साइड एंगल साइड, अगर आपको ये देखना हो तो मेरे एक वीडियो में आप देख सकते हैं, जहां पे मैंने डिटेल में इस रूल को समझाया है, साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, क्या मिलेगा आपको, ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ये दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है? अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो आप ये बोल सकते हो कि जो ये एडी है वो बीसी के इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, रीजन क्या दोगे, जो हम हर बार रीजन देते हैं, अगर दो को
हम congruent प्रूफ कर देते हैं ट्राइंगल्स को, तो क्या रीजन देते हैं? सी पी सी टी congruent parts of corresponding parts of congruent triangles, ठीक है, ए डी बी सी के इक्वल हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। इक्वल तो ये प्रूफ हो चुके हैं बाय सी पी सी टी। पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम कैसे प्रूफ करेंगे कि सिंस दीज टू ट्राइंगल्स congruent है, तो ये जो एंगल होगा एंगल डी ए सी ये इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, क्यों इक्वल होगा? सीपीसीटी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, congruent है। बट एंगल थ्री एंड फोर आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों तो क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयर फोर ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी। Hence, AD और BC equal भी प्रूफ हो गई एंड पैरेलल भी प्रूफ हो गई। अगर AD एंड BC equal एंड पैरेलल दोनों है, this implies ABCD is a parallelogram, okay? तो आपको जब भी एक भी अगर पेयर मिल जाए जो कि equal एंड पैरेलल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, if you can find if only one pair, then you can say that quadrilateral will be a parallelogram. अगर आपको एक भी पेयर मिल जाता है ऐसा, तो आपको दोनों पेयर फाइंड करने की नीड नहीं है, जस्ट विद वन पेयर यू कैन से दैट दिस विल बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस थ्योरम का यूज बहुत सारे क्वेश्चन में भी होगा, और आगे जो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं 8.9 मिड पॉइंट थ्योरम, उसमें भी इसका बहुत यूज होगा इस वाली थ्योरम का। तो हमें ये भी थ्योरम आनी चाहिए, बट मिड पॉइंट थ्योरम दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम करते हैं थ्योरम 8.9, ओके। हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम 8.9। ये थ्योरम 8.9 है मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 की चैप्टर 8 की। तो ये थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सबसे पहले आपको इस थ्योरम का प्रूफ आना चाहिए, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है आपको, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of किस किस के two sides of a triangle। तो अगर मैं एक triangle ले लूं, क्या triangle ली मैंने, A B C, वो कह रहा है line segment joining the midpoints of two sides of triangle, two sides A B and A C, इनका midpoint ले लिया। जो लाइन सेगमेंट इसको ज्वाइन कर रहा है ये हम ले लेते हैं डी ई, ठीक है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, दिस डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, इज इक्वल, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो ये आ जाएगा आपको टू प्रूफ में, और गिवन में क्या है कि जो ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब कि जो ये एडी होगा वो डी बी के इक्वल होगा, ए ई जो होगा वो ई सी के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, तो ए डी जो होगा वो डी बी के इक्वल होगा और ए ई जो होगा वो ई सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं टू प्रूफ कि आपको प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, क्या कह रहा है वो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। दैट मींस यू नीड टू प्रूफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये आपको दो बातें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, जो हमारा चैप्टर चल रहा है पैरेललोग्राम के ऊपर, हम एक पैरेललोग्राम की हेल्प लेंगे। अगर हमें पैरेललोग्राम की हेल्प लेनी है तो हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, ड्रॉ एक हम सी एफ अगर ड्रॉ कर दें, F, draw CF parallel to AB या BD, draw CF parallel to BA, CF BA,
और एंड सी एफ अगर बी ए के पैरेलल है तो ये ऑब्वियस सी बात है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि ये बी डी के भी पैरेलल होगा। ठीक है, मीटिंग डी ई प्रोड्यूस्ड एट एफ, डी ई जो एफ तक हमने प्रोड्यूस कर दी, ठीक है, वो वहां पे एफ से मीट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम हमारे पास क्या मिल गया, बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम मिल गया हमें। ठीक है, अगर हम ये प्रूफ कर दें, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। अगर हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें, ठीक है, ध्यान से देखिए, हमें डी ई को बी सी के पैरेलल प्रूफ करना है। अगर हम इस पूरे को बी सी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें तो क्या होगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। अगर इक्वल एंड पैरेलल होती हैं तो जो ये डी ई होगा वो बी सी के पैरेलल प्रूफ हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसका मतलब एक काम हमारा ये है कि हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें। ठीक है, बट पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक पेयर को अपोजिट साइड के एक पेयर को इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ करना होता है। यही करना होता है, अभी हमने थ्योरम 8.8 की थी, उस 8.8 थ्योरम में हमने क्या किया था कि इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए कोई भी एक साइड, तो वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एक साइड को इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दे तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम अगर बीडी को सीएफ के पैरेलल तो है ही सही, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है, है ना, सीएफ को बीडी के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है, पर हमें क्या प्रूफ कर दे, हम सीएफ को बीडी के इक्वल भी प्रूफ कर दे। इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, जो कि हम अपनी वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का यूज करना है हमें बीडी के और सीएफ के इक्वल प्रूफ करने के लिए, ओके, बट यहाँ पे तो कोई भी ट्रायंगल नहीं है, बट हमें ये पता है, क्या पता है हमें, कि जो ये बीडी है वो एडी के इक्वल है। बीडी अगर एडी के इक्वल है ना, तो अगर हम एडी को सीएफ के इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो बीडी भी तो सीएफ के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडी और डीबी तो दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर हम एडी को सीएफ के इक्वल प्रूफ कर दें तो ये जो बीडी है या डीबी है ये भी सीएफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। कंसीडर ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई। कौन कौन सी ट्रायंगल्स ली हमने, ए डी ई एंड सी एफ ई, ओके। इन दो ट्रायंगल्स को अगर हम लेते हैं तो हम इन दोनों को क्या प्रूफ हमें करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ओके। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने करी हुई है, साइड एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, ये सारी करी हुई है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या मिलता है, ओके। क्या है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, बताइए आपको, ए ई ई सी या ए ई ई सी के इक्वल है, ये आपको पता है, गिवन है ये, तो हम लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू सी ई। क्या लिखेंगे, गिवन, सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, आप गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने गिवन में ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है कि ए ई ई सी के इक्वल है। ठीक है, अब ये एंगल देखिए, एंगल वन और इसको बोल देते हैं एंगल टू, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, कौन से एंगल हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, अब सिंस ए बी इज
पैरेलल टू CF, जो आपने बाय कंस्ट्रक्शन कि BA जो है वो CF के पैरेलल है, तो ये AC ट्रांसवर्सल हो जाएगी। देखिए, अगर BA CF के पैरेलल है तो ये जो होगी ये ट्रांसवर्सल होगी। ये अगर ट्रांसवर्सल होगी तो जो ये एंगल होगा, इसको एंगल 3 बोल दिया और इसको एंगल 4 बोल दिया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इससे हमें क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज बाय कौन सा रूल मिल रहा है बताइए हमें? एंगल साइड एंगल रूल, बाय एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ ई। ठीक है, ये जो होगी ए डी ई वो सी एफ ई के क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब कॉन्ग्रुएंट होते ही सारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये मैं अब रब कर रही हूं। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दिस इंप्लाइज ए डी किसके इक्वल होगा? सी एफ के इक्वल होगा। सीपी सीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर ए डी सी एफ के इक्वल है बट या फिर सिंस ए डी बी डी के भी इक्वल है, ए डी बी डी के इक्वल है, गिवन है ये, तो दिस इंप्लाइज जो बी डी होगा वो भी सी एफ के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज एंड वी नो दैट बी डी इज पैरेलल टू सी एफ ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? वन पेयर हमें पैरेलल एंड इक्वल मिल गया। अगर एक पेयर पैरेलल एंड इक्वल मिल गया, दिस व्हाट इंप्लाइज? दिस बी डी सी एफ, बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है, दिस इंप्लाइज क्या होता है? पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट जो पेयर होता है लाइंस का वो इक्वल एंड पैरेलल होता है। दिस इंप्लाइज बी सी इज पैरेलल टू डी ई, बी सी डी एफ के या डी ई के पैरेलल होगा, होगा ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। अब ये पार्ट हमारा प्रूफ हो गया कि बी सी जो होगा वो डी ई के पैरेलल होगा। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी तो होती हैं। बी सी इज इक्वल टू डी एफ भी होगा, बी सी इज इक्वल टू डी एफ। बट डी एफ को आप और क्या लिख सकते हैं? डी एफ को आप लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ, डी ई प्लस ई एफ। ई एफ किसके इक्वल है? ई एफ तो डी ई के इक्वल है, बट ई एफ डी ई के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थी कॉरेस्पॉन्डिंग, बट ई एफ इज इक्वल टू डी ई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीपी सीटी। यहाँ पे रब कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ई एफ इज इक्वल टू डी ई, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ई, और ई एफ की जगह भी हम क्या लिख देते हैं? डी ई, क्योंकि ई एफ और डी ई तो इक्वल है। तो बी सी इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें? टू डी ई। इसका मतलब डी ई इज इक्वल टू हाफ बी सी, हेंस प्रूव्ड। आपने दोनों चीजें प्रूव कर दी कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल भी होगा और इसके हाफ भी होगा। और ये हमने किसकी हेल्प से प्रूव किया? इसको पैरेललोग्राम प्रूव करके। और पैरेललोग्राम किसकी हेल्प से प्रूफ किया? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हेल्प से। और हम पैरेललोग्राम और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दोनों की वीडियोस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सारा समझ आ रहा हो या इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।